अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्लाह से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो आज हम बनाने लगे हैं शनवारी कीमा। उसके लिए ये मैंने आयल लिया है, ये गर्म हो गया। अब इसको मैंने एक प्याज लिया था, ये चॉप मैंने कर लिया, इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ। और साथ ही मैं ये खड़े मसाले हैं, ये थोड़े से ये इसमें डाल देती हूँ। इसकी खुशबू आना शुरू हो गई, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इनकी। इतना ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का सा ब्राउन करना, गोल्डन सा। तो नाज़रीन, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ना ये कीमा डाल दिया इसमें, इसकी ज़रा बुनाई करते हैं। इसको ज़रा ज़्यादा भुनेंगे तो इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसमें साइडों से मैंने दरमियान से थोड़ी सी जगह बना के ना तो अदरक लहसुन डाल दिया। उसको ज़रा मैं क्या स्पेशल इसको भून दूँ कि इसमें जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अब कीमे को इस अदरक और लहसुन के पेस्ट में भूनते हैं और तीन चार मिर्चें डालते हैं, क्योंकि जो स्मेल होती है ना, मिर्चों की खुशबू होती है ना, बड़े मज़े की होती है। और साथ मैंने दो टमाटर डाल दिए हैं। इनके साथ अब ये कीमे की ना बनाई करते हैं। अच्छी तरह इसको भूनना है। अब इसमें वो मसाले वगैरह डाल देते हैं। एक चम्मच मैंने डाल दिया मिर्च का, सिर्फ एक चम्मच मैंने नमक डाला है, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाएंगे। एक चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये मैंने एक गिलास पानी, एक लीटर पानी डाल दिया इसमें। बस ऊपर से डांप देते हैं इसको। अब मैंने ये 5 मिनट बाद खोला, ये देखिए इसकी कैसी है। इसको बीच में ना थोड़ा सा आस्ता आस्ता इसको चेक करते रहा करें, एक दो दफ़ा चेक कर लेना करें कि कैसा बना है, कि जल तो नहीं गया। हाँ, टाइमिंग तो होती है। अब ये दही मैंने एक कोली है वो डाल दी। दही को हमेशा ना फेंट के डालना चाहिए। अगर आप ऐसे ही दही को डाल दिया ना तो वो ना इसकी फट जाता है दही। अब इसको फेंट के डालेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, गर्म में उबाला दही उसको, दही को कुछ भी नहीं होगा, हमेशा फेंट के डाला करें। अब देखें कि कीमा हमारा बन चुका है, पानी वो जो ख़त्म हो गया। अब इसको इसकी ना आखिरी लुक करते हैं कि दो तीन मिर्चें लेके उसको दरमियान में से काट लेते हैं, वो डाल दी। और थोड़ा सा मैंने ये अदरक काट के डाल दिया और कुछ मैंने ये ना लेमन के पीस डाल दिए। इसकी खुशबू से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो होगा। अब देखें ये बिल्कुल तैयार हो गया, इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर तो बनता है। खाएं पिए मौज उड़ाएं, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।